अंदर की बात बताइए, मेरे दादाजी की आत्मा ने क्या? वो चुड़ैल आपके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है भैया। लेकिन तुम विभू के पीछे क्यों पड़ी हो? विभू इज माय हस्बैंड, वो पति है मेरा। क्योंकि विभूति के दादाजी विभूति लाल मिश्रा मेरे पीछे पड़ा था। देखो झुमा, मैं एक तक गिनूंगा और अगर मेरे एक तक गिनने तक तुम यहाँ से चली नहीं गई तो मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो मैं फूकूंगा और भस्म हो जाओगी तुम। अब ये चुड़ैल चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। मांगिए ना माफी। माफी मांगेगा मेरा जूता, जूता, जूता। अय्याश होना को बुरी बात है क्या? हाँ? अय्याश होना कोनो बुरी बात नहीं है। भाभी जी, आप यहाँ अचानक? सीढ़ी से? हमको आपकी याद आ रही थी भरभूति जी। भाभी जी, आपको मेरी याद आ रही थी? मैं ये सच है या ख्वाब देख रहा हूँ? देखा, आप ख्वाब ना ही देख रहे हैं। I love you। भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जो आप सुन रहे हैं। और भरभूति जी, हमको आपसे प्यार हो गया है। हम लड्डू के भैया को तलाक दे देंगे और आपसे शादी करेंगे। What? और आप भी उस अनीता को तलाक दे दो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि मैं आपसे, लेकिन आई सर, मेरी ना फीलिंग्स बहुत पाक साफ है और ये मैं खुद महसूस करता हूँ और अकेले में एंजॉय करता हूँ, लेकिन ये नहीं भाभी जी, ये नहीं। आई एम सॉरी। आपको करना पड़ेगा। भाभी जी, अनु आ गई, अगर आप छुपी नहीं तो मेरा तलाक हो जाएगा। प्लीज आइए, प्लीज आइए, अंदर आइए, प्लीज आइए, कम प्लीज आइए, प्लीज आइए। सॉरी, ठीक ठीक, छुपी 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 छुपी। आज किससे बात कर रहे हैं? किसी से नहीं, ठीक है। आओ चलो, हॉल में बैठते हैं, आ जाओ। हॉल में बैठते हैं? हाँ। सोने का वक्त है भाई, सोने चलो। अबल मुझे एकदम नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपिंग। अच्छा तो एक काम करो, मेरे ड्रॉअर में स्लीपिंग पिल रखिए, उसे खा लो। अब बाथरूम मत जाओ। क्यों भाई, बाथरूम क्यों नहीं जाओ? अब आओ ना, हमारे तुम रोमांस करते हैं। मुझे तुम जैसे अय्याश आदमी के साथ रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Oh God, अगर अनु ने भाभी जी को बाथरूम में देख लिया तो कोराम मचा देगी, कोराम मचा। ना ही देखेगी, काहे के हम यहाँ है ना। आप तो बाथरूम में थी ना। शीशे में मुझको इशारा मिला है। अरे प्रभु, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? Ha 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 ha
अंगूरी, अरे कछु खाना वाना नहीं खिलाओगी क्या पगली? तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? पता ना है। खाना वाना बनाया कि नहीं? याद ना है। ये तुम्हारी यादाश्त को अचानक क्या हो गया पगली? पता ना है। ये क्या पता नहीं की रट लगा रखी है? तो आपको भी पता नहीं है ना कि आपने हमारे डैडू की इज्जत लूट ली। बेइज्जत करना होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो नहीं है ना पता, हमको भी नहीं पता कुछ। हंगूरी, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, सच में हमें कुछ भी याद नहीं है। आप पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता तो गुइयों के खेत में जाओ। हम नहीं जाएंगे, आप जाइए गुइयों के खेत में। विश्वास नहीं होता है कि लड्डू के भैया हमरी और अम्मा जी की छोटी कसम खाएंगे। बहुत बहुत हॉट हो गए। ये अंगूरी भी ना बस अलग ही पिनक में रहती है। तिवारी जी बैठे रहिए। भाभी जी आप हमारी बगल में बैठी हैं। क्यों तिवारी जी, मैं आपके बगल में नहीं बैठ सकती? आप में क्या कांटे लगे हैं? क्या हुआ तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आज हमारी बरसों की तपस्या पूरी हो गई है। आज आपने हमसे इतने प्यार से बात की कि हमारा जो भी गुबार था वो बाहर आ गया। मीना, मैं तुझे क्या बताऊं, यहाँ पर बहुत टेंशन हो गई है। तुझे पता है यहाँ पर एक चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे उस चुड़ैल ने हम सबको परेशान कर दिया है। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मीना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओ माय गॉड, ये तो हूँ बहू मैं हूँ। और ये मैं तिवारी जी से कैसे चिपक चिपक के बातें कर रही हूँ? बस भाभी जी क्या बताएं, बस अंगूरी कभी कभी बच्ची सी बन जाती है। तो तिवारी जी उस बच्चे के साथ आप क्यों रह रहे हैं? आप देखिए आपके आसपास कितने जवान और खूबसूरत लोग भी रहते हैं। जी क्या मतलब? हाँ मतलब ये कि आप अंगूरी जी को छोड़ दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं भी तो विभू को छोड़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, हम अंगूरी को नहीं छोड़ सकते। भाभी जी हम आपसे कैसे शादी कर सकते हैं? क्योंकि अंगूरी आपके लायक नहीं है। विभू 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 जल्दी आओ। बेबी व्हाट हैपेंड? वो देखो देखो, मैं तिवारी जी के साथ कैसे चिपक चिपक के बातें कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ये तुम क्या हरकत कर रही हो तिवारी जी के साथ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये क्या तरीका? रिडिकुलस। वो क्या पक रहे हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे बगल में। नहीं नहीं भाभी जी, अंगूरी से हम बहुत प्यार करते हैं। वो जैसी भी है, भोली भाली है, लेकिन हमारी बीपी बीवी है भाभी जी। ओह यस, इसका मतलब ये चुड़ैल है। अनु, ये चुड़ैल ना भाभी जी बनकर आई थी मेरे पास, ये चुड़ैल। तिवारी जी को हमें बताना पड़ेगा विभू, नहीं तो ये अपने जाल में फांस लेगी उनको।
सावधान करना पड़ेगा तिवारी जी को। अच्छा फंस जाने दो, भाभी जी को छुटकारा मिलेगा इससे। क्या बोल रहे हो यार, बड़ा परेशान करते भाभी जी को, रहने दो। बकवास बंद करो और आवाज दो उनको, तिवारी जी, तिवारी जी। आप यहाँ बैठी है तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तिवारी जी, तिवारी जी इधर देखिए ना। तिवारी जी, अरे ऐसी आवाज है। तिवारी जी, तिवारी जी, ये नहीं हूं। तिवारी जी, भाभी जी यहाँ भी है, भाभी जी वहां भी है। ये चुड़ैल है, वो भाभी जी है। सॉरी, वो चुड़ैल है, ये भाभी जी है। हेलो डैडू। हेलो, कैसी है मेरी बच्ची? हम ठीक बा। डैडू, हम देख अंगूरी, अगर तूने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं उस घटिया आदमी को, खजेले पहल को माफ कर दूं, तो मैं उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। डैडू ऐसा ना ही है डैडू। तो फिर और कैसा है? डैडू, लड्डू के भैया ने ना ही कहा। अच्छा, तो फिर वो नवाब तैमूर लंग थे, नवाब वाजिद अली शाह थे वो? नहीं डैडू, आपके जाने के बाद हम लड्डू के भैया से बहुत बहुत झगड़ा किए कि काहे काहे आप अपने डैडू को जलील किए। तो क्या कहा उस खजेले बैल ने? वो बोले कि हमको तो कुछ याद ही नहीं है पगली। झूठ बोलता है वो खजेला बैल, झूठ बोलता है वो। नहीं नहीं डैडू, वो हमारी कसम खाए हैं, और लड्डू के भैया हमारी और माँ जी की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। अब प्लीज डैडू एक बार और आ जाइए, आपको हमारी कसम। और डैडू प्लीज, डैडू प्लीज, डैडू प्लीज। अच्छा ठीक है अंगूरी, तूने अगर अपनी कसम दे दी है तो तेरा डैडू आएगा। सक्सेना जी, ड्रामा बंद कीजिए और कुछ कीजिए इस चुड़ैल का, वरना हमारा डिवोर्स हो जाएगा। बताइए, हमें भाभी जी बनकर प्रपोज कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ अंगूरी ने नहीं देखा, ना वो तो बालकनी से कूद जाती। मेरे पास भी भाभी जी बनकर आई थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया शीशे में कि वो भाभी जी नहीं है, वो चुड़ैल है। भाभी जी, ये सब भभूति जी के दादाजी का रायता फैलाया हुआ है, क्या जरूरत थी दादाजी की आत्मा को बुलाने की? दादाजी की आत्मा तो आई नहीं, उनकी आइटम की आत्मा आ गई। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ, सक्सेना जी की वजह से। नहीं नहीं भाभी जी, मैं चुप नहीं बैठा, चुप नहीं बैठा। मैं अपने दादाजी की आत्मा से बात कर रहा था। तो क्या कहा दादाजी की आत्मा ने? कुछ नहीं, बस यही कहा कि बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, कम से कम 8-10 को तो निपटा के ही छोड़ेगी। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है, सही कह रहा हूँ भैया। तो एक काम कीजिए। क्या भैया? आप उस चुड़ैल की सेटिंग अपने दादाजी से करवा दीजिए। हमारा पीछा छूट जाएगा चुड़ैल से, और आपके दादाजी भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। हाउस आइडिया? नहीं नहीं भैया, मेरे दादाजी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, तृप्त हैं। पहले से 4-4 चुड़ैलों को दबोचे बैठे हैं। मतलब यार, वहां पर भी भूत चुड़ैलों में भी ये सब कुछ चलता है? अरे भूतों में तो हमसे ज्यादा चलता है ये सब। काफी मॉडर्न सोसाइटी है, काश कानपुर में भी। अरे अरे अरे, आप लोग ये सब क्या बकवास कर रहे हैं?
हाँ, एक लेडी बैठी है यहाँ पर, एलिगेंसी, और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सोचिए उस टुडैल का क्या करना है। मैं करता हूँ कुछ भाभी जी, मैं करता हूँ। आप कुछ कर ही तो नहीं रहे, बस बोल रहे हैं। बोल देंगे, आई लाइक इट। नहीं नहीं भाभी जी, मैं करता हूँ। मैं आज रात को बात करता हूँ उससे, 1-to-1 पूछता हूँ उससे आखिर वो चाहती क्या है। अंगोरे, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। और डैडू कैसे बा? मैं ठीक हूँ बेटा। देख, तेरे कहने की वजह से मैं फिर से आ गया। तू खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश है डैडू। अच्छा, कहाँ है वो तेरा कच्चा बनियान? हाँ, वो कच्चे बनियान में ही बैठे हैं। अब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं, बस अभी कपड़े पहन के आ ही रहे हैं। लड्डू के भैया आ जाइए, माफी मांगिए, डैडू आए हैं। अच्छा सुन, अच्छे मूड में तो है ना? हाँ, बहुत अच्छे मूड में है, वो बहुत बहुत शर्मिंदा है। लड्डू के भैया, मांगी मांगी माफी मांगी। डैडू कहाँ चला गया पगली? अरे अंगूरी, तो जो भी है, जहां भी है, तुझे आना होगा। आजा आजा। ले आ गई मैं, अब क्या मेरा अचार डालेगा? आई लाइक इट। तू पागल है करण का, मुझे क्यों बुलाया? द
देखो तुम जो भी हो। झूमा नाम है मेरा। अरे झूमा तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं विभूति को चाहती हूँ। अरे विभूति भैया ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तुम्हारी दुश्मनी विभूति भैया के दादाजी से है, तो उस पार्टी को पकड़ो। इस पार्टी को क्यों पकड़ रही हो? ये पार्टी ऑलरेडी एंगेज्ड है। लेकिन वो पार्टी आउटडेटेड हो गई है। देखो झूमा, तुम चली जाओ इस कॉलोनी से। कौन भेजेगा मुझे यहाँ से? अरे दादा, जो इतनो बढ़िया आइटम जो ससुर पगलेट के संग में क्या बातें कर रहे हो? मैं भेजूंगा, मैं। और देखो अभी तुमको ना प्यार की भाषा समझा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने मेरे प्यार की भाषा को नहीं समझा ना, तो हथियार की भाषा समझाऊंगा, जबरदस्ती भेजूंगा तुम्हें। ए ठहर जा सक्सेना, तू बड़ी जबरदस्ती कर रहा है? तो जो बता, जब जे मैडम है तैसे जानो को नहीं चाहती हैं, तो तू का को जबरदस्ती कर रहा है? और तू 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 हो तो कौन है इनको भगाने वालों? अरे दरोगा जी आप जाइए, जाइए आप, ये दूसरा मैटर है, जाइए जाइए जाइए। अच्छा मतलब बेटा तुम इतने बैठ के आराम से गुलरियां गपक लो और हमसे कह रहे हो थाने में जाके ड्यूटी कर लो है? ससुर सारू मजू अकेले अकेले ले लो है? खैर छोड़ो तुम्हारी ससुर, हम जे अबला नारी के साथ में हैं,